हे एवरीवन, आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ डॉक्यूमेंट इनटू एमएस वर्ड एडिटेबल पीडीएफ। तो इसके दो स्टेप्स हैं गाइस। पहला जो स्टेप है वो गूगल ड्राइव मेथड है और दूसरा जो स्टेप है वो है डायरेक्ट एमएस वर्ड वर्जन 2019 मेथड। तो हम आज आपको दोनों मेथड सिखाएंगे। फर्स्ट जो मेथड है वो डायरेक्ट गूगल ड्राइव से रिलेट करता है और दूसरा जो मेथड अगर आपके पास 2019 वर्जन एमएस वर्ड का, तो आप डायरेक्ट फिर एमएस वर्ड से ही किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ जो कि है गूगल ड्राइव मेथड। तो आपने सिंपली सबसे पहले अपना गूगल ड्राइव ओपन कर लेना। जब आप गूगल ड्राइव पर आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने न्यू पे क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पे जाके फाइल अपलोड कर देनी है। यहाँ पर जाके अपने जोन से भी फाइल को अपने पीडीएफ को एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है, उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। माई ड्राइव में जाके यहाँ पे जो फाइल आई होगी ओपन विद डॉक्स के साथ कर देना है आपने। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो ये कुछ लोडिंग लेगा, आपने वेट करना है यहाँ पर। तो सिंपली ये आपकी जो एडिटेबल फाइल है पीडीएफ फाइल वो कन्वर्ट हो गई है। तो ये था मेथड जो कि गूगल ड्राइव से था। तो इधर आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और इधर से फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी की फाइल जिसके अंदर जो भी टेक्स्ट थे वो सारे के सारे एडिटेबल हो चुके हैं। जिसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्स के अंदर। जब आपने फाइल पे जाना है और डाउनलोड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स के अंदर जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो गई है। चलिए चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है डायरेक्ट एमएस वर्ड वर्जन 2019 मेथड। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 2019 है तो आपने सिंपली न्यू फाइल ओपन कर लेनी है। ओपन पर जाना है। ओपन पर जाके इधर आपने करना है ब्राउज पर क्लिक करना है। सिंपली अपने ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पे कोई जो भी फाइल आपने कन्वर्ट करनी है तो आपने ओपन कर लेना है। तो कुछ इधर लोडिंग ले, ये फाइल ओपन हो गई। अब ये एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट हो गई है। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड का मेथड जो कि अगर आपके पास 2019 वर्जन है तो आप डायरेक्ट इससे भी किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अल्लाह हाफिज़।